मन सीप का तू मोती। अब्बा इनकार की तो बिल्कुल भी सूरत नहीं है भाई, मैं अपने शौहर से बोलकर आ चुकी हूँ कि उसकी बहन की शादी मेरे भाई से ही होगी। लेकिन शायस्ता, ये कैसे मुमकिन है? क्यों क्यों मुमकिन नहीं है भाई? तुम लोग क्या चाहते हो कि नौरीन सारी जिंदगी मेरे सर पे नाचती रहे? भाई मेरी भाभी बनेगी तो धीमी हो जाएगी, जब मेरी छोटी भाभी होगी तो मेरे सामने सर नहीं उठा सकेगी। देखो शायस्ता, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें अपनी ससुराल में बात करने से पहले कम से कम हमसे पूछ तो लेना चाहिए था बेटा। अच्छा तो अब क्या मेरा मैके में इतना भी हक नहीं है? देखो ये बिलाल की जिंदगी का मामला है और नौरीन किसी भी तरह बिलाल के काबिल नहीं है, समझी? बिलाल अच्छा खासा तालीम याफ्ता है, तुम्हारी नंद की तो वाजबी सी तालीम है। जुबान दराज है, लड़ाका भी है, हमारे सारे घर का माहौल खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे पहले से इस घर का माहौल तो बहुत अच्छा है। वो तुम्हारी घुन्नी मीसनी बीवी किसी से बात करने की तो उसे तमीज तक नहीं है। जो बंदा घर की मालकन को मालकन ना समझे और घर में घुसकर खुद मालिक बनकर बैठ जाए और खुद हुक्म चलाने लगे, कौन मालकन है जो उसे पसंद करेगी? लो मैं बात क्या कर रही हूँ और आप बात को कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम्हारी बात का बस एक ही जवाब है, हम बिलाल से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करने वाले। तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं इस घर की दहलीज में कभी भी कदम नहीं रखूंगी, याद रखिएगा। ये क्या बात हुई, तुम हर वक्त जिद क्यों करती रहती हो भाई? ये जिद नहीं है, मेरा हक है, भाभी तो मैं अपनी पसंद से ही लेकर आऊंगी बस। अब बोलो तुम। क्या बोले यार, आ जाओ। आदिल। हाँ सुमैया, यहाँ आओ। अरे अंदर आ जाओ, तुमसे कुछ बात करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप आए ना अंदर। वो दुर्योधन को ना तुमसे काम है। मुझसे? जी फरमाए। दुर्योधन आगे पढ़ना चाहती है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ लेकिन ये कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकती ना, नवाब साहब कभी इजाजत ही नहीं देंगे, इसलिए इसे जो भी पढ़ना है घर में ही बैठ के पढ़ना है, उसके लिए इसे मदद चाहिए। आदिल, आदिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो बेटा। अब्बा ये नवाब साहब की पोती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा बेटा, सुमैया के साथ आती रहा करो। अब्बा ये आगे पढ़ना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आजकल के जमाने में लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। मैं बेटा तुमसे ये पूछने आया था, मेरा कुर्ता इस्त्री हो गया? अब्बा मैं कर ही रहा था, बस दो मिनट में। बेटा नवाब साहब को मेरा सलाम दिया। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अरे हम तो यही दरख्वास्त लेकर आए थे, तुमने तो पहली दरख्वास्त कबूल कर ली। आपका बहुत शुक्रिया, हम जानते हैं कि आप अपनी तालीम भी जारी किए हुए हैं और कहीं जॉब भी करते हैं, मगर हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस कभी कभार सुमैया के साथ आ जाया करेंगे। अरे नहीं नहीं, आप जब चाहें आ सकती हैं, कोई मसला ही नहीं है। जल रहा है क्या कुछ? बहुत बू आ रही है जलने की। अरे अब्बा का कुर्ता। बस इसकी तो आज की डांट पक्की, चलो हम चले। क्या बेटे का रिश्ता तय कर दिया, इसी माँ शादी है? अरे हाँ हाँ, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा अच्छा, आने की दावत दे रही हो। अब बेटा हमारी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि शायद हम ना आ पाए। देखो बेटा हमारी कुछ, तुम्हें पता है कि कोर्ट में तारीखें हैं, हमारी ज़मीनों के केसेस चल रहे हैं। हम देखो बेटा, अगर हम आ सकते तो बाखुदा ज़रूर आते, लेकिन अरे जहाज़ की टिकट
ज़ेबुन नसा तो जहाज में बैठने से डरती हैं। चलो बेटा इसके बारे में हम सोचते हैं। अच्छा अच्छा क्या हम भी चलेंगे? पता नहीं, चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। क्या खाक मजा आएगा, इतने दिन हम घर से दूर रहेंगे, मुझे तो सोच के उलझन हो रही है। खुदारा इनकार मत कीजिएगा, कुछ ही दिनों की तो बात है, और वैसे भी हमें इस खंडर से बाहर निकलना है, खुलकर सांस लेना है। भी अब तो तुम खुश हो ना कि मैं वापस नहीं जा रहा? हाँ बहुत खुश हूँ। लेकिन तुमने मुझे अपनी उदासी की वजह नहीं बताई। अरे अब मैं कहाँ उदास हूँ? तुम्हारे चेहरे पे चमक तो खुशखबरी सुनने के बाद आई है, इससे पहले तो उदासी थी ना तुम्हारे चेहरे पे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। मैं आपको बताता हूँ इनकी उदासी की वजह। बताइए। बात असल में ये है भाई कि भाभी आपा की बातों की वजह से परेशान है। आपा की वजह से? क्यों? जी भाई, भाई आपा मेरी शादी अपनी नंद से कराना चाहती है, जिसके लिए मैं हर किस तैयार नहीं, और उस वजह से आपा ने भाभी को बहुत बुरा भला कहा। अच्छा तो ये बात है। बिल्कुल भाई, और आजकल घर में काफी हंगामा कर रखा है उन्होंने, जिद लगाए रखी है बिला वजह की। ये तो जबरदस्ती है भाई। भाई प्लीज देखें, अब आप अब्बा से बात करें कि वो आपा की बातों में अब कान ना धरे प्लीज। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं आ गया हूं, मैं अब्बा से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठो। ये नए प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें बताना था मैंने। दिखाएं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि बिलाल की राय लिए बगैर, उसकी मर्जी जाने बगैर आपा इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है। अरे अनवर, तुम अपनी बहन के मिजाज को तो जानते ही हो, वो मिनट भर में कोई अचानक फैसला कर लेती है और फिर उसको मनवा कर दम लेती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा, ये मेरी जिंदगी है और इसका हर फैसला मैं खुद करूंगा, ये बता दीजिएगा आपा को। इसमें इतना गुस्सा मत करो बिलाल, मैं समझता हूँ नौरीन अच्छी लड़की है, सादा मिजाज है। नहीं अब्बा, नौरीन बहुत तेज मिजाज की है, ठहराव नहीं है उसमें, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है उसे। वो अच्छी है या बुरी मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मैंने उससे शादी नहीं करनी। तुम्हारा ये लहजा मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या बेटा तुम किसी और को पसंद करते हो क्या? ऐसा ही समझ ले। ओ, तो ये बात है। अब आप बिलाल की पसंद बहुत अच्छी है, उसने किसी ऐसी ऐसी लड़की को इस खानदान की बहू बनाने का फैसला नहीं किया। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना, आपा किसी से शादी की बात तो ना करते। भाई मैं किसी खास मौके का इंतजार कर रहा था, भाभी को बता चुका हूँ मैं अपनी पसंद, बस अब्बा से ही बात करना बाकी थी। ठीक है अब, अगर बिलाल किसी को पसंद करता है तो उसे पूरा हक है कि वो अपनी पसंद की शादी करे, इस पे आपा को इतराज नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन शाइस्ता का मिजाज तुम जानते हो ना। उसकी आप लोग फिक्र ना करें, वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा और बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। भाई बिलाल मियां,
अब ऐसा करना था। वो फाखरा ने बेटा ट्रेन की टिकटें भिजवा दी है, 15 रोज बाद की है। पापा मियां, आपके बगैर जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। देखो बेटे, उनकी फैमिली की कुछ खवातीन जा रही हैं जो आपके साथ होंगी, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोर्ट कचहरी का कुछ थोड़ा सा काम है, बस खत्म हो जाए तो मैं भी पिछले से आ जाऊंगा। लेकिन अब्बा मियां, शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कुछ तैयारी भी तो जरूरी होती है ना, और हम। बेटे मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। नए किराएदारों ने जो एडवांस दिया है वो हमारे काम आ जाएगा। हम इंसान ही है ना, मायूस हो जाते हैं, और अल्लाह ताला तो वहां से वसीला पैदा करता है जहां इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। नवाब साहब, वो मुंशी साहब आए। हाँ तो मुंशी साहब को यहीं भेज दो। जी हम चलते हैं बामिया। ठीक। आदाब मुंशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो जी। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? शुक्रिया, बस वो आपकी खैरियत और बच्चियों की खैरियत के लिए आया था। अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्रिया। वैसे अगर आप ना भी आते ना तो मैं पैगाम भेजकर आपको बुलवाने ही वाला था। दरअसल अजीजू में शादी है, रावलपिंडी जाना है, और शादी से पहले बच्चियों ने बहुत सारे इंतजाम करने। मैं समझ गया नवाब साहब, बच्चियों को शादी की सारी तैयारी मैं अपने साथ ले जाकर करवाऊंगा। बाखुदा मुंशी साहब, आपकी वजह से हमें बहुत हर्ष मिलती है। शुक्रिया नवाब साहब, ये तो मेरी खुशनसीबी है। नवाब साहब, मैंने आपसे एक गुजारिश की थी। हाँ हाँ कहो। मैं आपको और बच्चियों को अपने घर कुछ दिनों के लिए मेहमान बनाकर ले जाना चाहता हूँ। मैं खिदमत करना चाहता हूँ आपकी। नवासा, मुझे यकीन है कि बच्चियों को ये तब्दीली बहुत अच्छी लगेगी। अरे मुंशी, क्या जरूरत है? ये मेरी दिली ख्वाहिश है नवाब साहब, मैं आपकी और बच्चियों की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे मायूस ना कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम अपनी बच्चियों को कहते हैं कि तैयारी कर लें, कि आने वाले जुमे को हम आपके घर आ जाते। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। मेरी मिल्कियत में जो कुछ भी है नवाब साहब, सब आप ही का तो है। चाय पिलवाएं आपको? जहे नसीब। हजूरी को भी बुलवाते चाय पी। हजूरी, हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि मुंशी साहब ने हमें अपने यहाँ बुलाया और दादाबा मान भी गए। हम बहुत खुश हैं। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा। पता है आजकल मौजे हो रहे हैं हमारे साथ। आपको नहीं पता कि हम पिंडी जाने के ख्याल में कितने खुश हैं। काश सुमैया भी हमारे साथ जा सकती तो और मजा आता। अब आप हर जगह सुमैया को तो अपने साथ नहीं लेकर जा सकती ना। हाँ ये भी है। खैर आप हमारे कपड़े देखें, ठीक है ना? अरे इतने सारे कपड़े, हम तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। हो सकता है दादाबा को मुंशी साहब मजीद रुकने का कहें। आप ये सारे कपड़े रख लें। और हमें कौन सा शॉपर उठाकर पैदल चलना है? मुंशी साहब हमें अपनी गाड़ी पर लेकर जाएंगे ना। अच्छा ठीक है।
ये तुम थे, जान निकाल दी हमारी। आओ चलो ना, मैं लॉन में बैठते हैं। नहीं नहीं, लॉन में नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। चलो फिर मेरे कमरे में। हाय अल्लाह, लगता है बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। मैं साथ हूँ, अब हर खौफ को अपने दिल से निकाल। आप पे भरोसा है तो इसीलिए कमरे से निकल के आधी रात को आपके पास आ गए। पता है, मैंने अब्बा को ये बता दिया कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, बस अब तुम्हारा नाम बताना बाकी, और कुछ ही दिनों में ये मरहला भी तय कर लूंगा। हम चलते हैं, हमें डर लग रहा है, दादा पाने दिख लिया तो बहुत बुरा होगा। तो देखिए जा। अब्बा आओ आओ जमीला बैठो। अरे भाई, मेहमानों की खातिर तवाज़ो तो अच्छी तरह से हो रही है ना, कोई शिकायत का मौका नहीं देना बेटा। अब्बा वो बिलाल ने बताया था ना, वो एक लड़की को पसंद करता है। इस वक्त उस बात का क्या जिक्र है? अब्बा वो मैं उस लड़की का नाम बताना चाहती हूँ आपको। हाँ बोलो। अब्बा वो नवाब साहब की पोती दुर्यातन है। क्या क्या कह रही हो तुम बिलाल? जमीला क्या कह रही है ये? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये नामुमकिन है। ये क्यों नामुमकिन है अब्बा? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये क्यों नामुमकिन है। वो नवाब हुआ करते थे अब्बा, अब उनकी घर की गिरती दीवारें हमारे सहारे की मोहताज हैं। हम दौलत में तालीम में उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, अब आप रिश्ता डाल के तो देखें। मुझे पूरा यकीन है कि इनकार नहीं होगा। नामुमकिन! अरे मैं किस मुंह से उनसे बात करूं? ना करूं उनका, ना मखार हूं उनका। अब आप उनके मुलाजिम थे लेकिन अब नहीं है, और याद रखिएगा मुलाजिम होना कोई गुनाह नहीं है। आपको उन्होंने खरीदा नहीं था, गुलाम नहीं थे आप उनके। और अब्बा आज तो उनके हालात ऐसे हैं कि वो अपने लिए मुलाजिम तक अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस बात पे भी अगर उनको गरूर है तो ये सिर्फ उनकी कमअकली है। अब्बा रिश्ते की बात करें तो सही, मेरी खातिर, दुरे अदन की खातिर, जो उस खस्ता हाल दीवारों के साए में बैठे बैठे अपने बालों में चांदनी उतार लेगी, वहां कोई बयान ही नहीं आएगा उसे। अब्बा बिलाल बिल्कुल ठीक कहता है अब्बा, लोग हसब नसब नहीं पूछते, माजी में दौलत कहां से आई नहीं पूछते, हाल और मुस्तकबिल देखते हैं। और नवाब साहब का मुस्तकबिल तो सबके सामने ही है। आप बात करें प्लीज। जी अब्बा, बात करने में क्या हर्ज है? और फिर उन्हें बिलाल से अच्छा रिश्ता कहां मिलेगा? दुर्योधन बीबी, अरे आपको बीबी बुला रही है, आप कब से यहाँ खड़ी, क्या कर रही है? बीबी बेपर्दगी होती है इस तरह से। बीबी खफा हो रही है, जल्दी से आ जाइए। हजूरी, इस घर के पौधे देखे कितने नर्म और नाजुक, देखते ही छूने को दिल करता है। और ये लॉन,
कितना वसी, कितना बड़ा खूबसूरत है ना। हाँ बीबी, मुंशी के नसीब तो बहुत ही अच्छे हैं। देखें तो, झोपड़ी से निकल के महलों तक पहुंच गया। ये बात मेहनत की है हजूरी, इन्होंने मेहनत की तो ये सब पा लिया। आप फूफू से कहे हम आ रहे हैं। जी नवाब साहब, आप यहाँ आकर खुश तो हैं ना? हाँ भाई, बस खुश हैं। लेकिन हम इधर बस दो दिन से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। सरकार की इसे आप अपना ही घर समझिए। जब चाहे यहाँ आए और जितने दिन चाहे यहाँ रहे। खुश रहो मुंशी, तुमने ना नमक हलाल किया। नवाब साहब, एक गुजारिश करनी थी आपसे। हाँ पूछो। नवाब साहब, आप मेरे बेटे बिलाल के तो जानते ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं। माशाल्लाह वो तालीम याफ्ता, मुअद्दब और अच्छा लड़का है। उसका मुस्तकबिल भी रोशन है। हमारा सारा खानदान उस पर फख्र करता है। अगर आप उसे अपनी फर्जंदी में ले लें तो हम सब बहुत शुक्रगुजार होंगे आपके। हम तुम्हारी बात समझे नहीं मुंशी। नवाब साहब, अब जमाना बदल गया है। अब हर इंसान बराबर का समझे जाने लगा है। तालीम याफ्ता इंसान की ज्यादा कदर होती है, इज्जत होती है। और फिर मेरा बेटा बिलाल भी आला तालीम याफ्ता है। इसी भरोसे पर मैंने दुर्रे अदन बीबी के रिश्ते की बात, अगर वो मेरी बहू बन जाए तो। नवाब साहब, नवाब साहब, जमन साहब, दुर्रेदन, नवाब साहब। जी अब्बा मियां, चलिए हम जा रहे हैं यहां से। नवाब साहब, मेरी अर्ज तो सुनिए। लिल्ला, मेरी अर्ज सुनिए नवाब साहब। नवाब साहब, सरकार खैर, इस मुंशी की ये जरूरत कि हमारी बेटी का हाथ मांगा है? चार पैसे क्या आ गए हैं, अपने आप को हमारा हम पल्ला समझने लगा है। नीचे लोग क्या जाने कि ऊंची जात, हस्त नसब, शान और शौकत, इज्जत आबरू क्या होती है। अब्बा मियां बैठे ना, हजूरी जाइए पानी लेकर आइए। अब्बा मियां खुद को संभालिए, खुदा के वास्ते आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हजूरी पानी ले भी आइए। कैसे कहा उसने, कैसे कहा हमसे उसने ये सब कुछ? दूर ले जाइए इस गिलास को। इस पानी से हमारे अंदर की आग जो है वो नहीं बुझ सकती। इतनी बेइज्जती हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। कि इतनी बेइज्जती होगी हमारी। या अल्लाह, खैर ये दिन भी देखना था हमने। अरे वो कमबख्त, अगर नवाब साहब की खातिर तवाज़ो नहीं कर सकता था, मेहमानदारी नहीं निभा सकता था, तो वो लेकर ही क्यों गया नवाब साहब को? हसूरी आप जाइए। जी जाते हैं। ज़ेब। जी अब अमीन। ज़ेब। जी इस बात को अब यहीं दफन कर दो। आप बैठिए ना। इतनी बेइज्जती होता था। उसने ऐसी बात करने की जुरत कैसे की जुरत?
वक्त बदल गया है बामिया, लोगों ने भी नए तकाजों को कबूल कर लिया है और हमें लगता है हमें भी नए दौर में जीना सीख लेना चाहिए। अब बच्चा, क्यों इस तरह रो रहे हैं? और आप फर्श पे क्यों बैठे हैं? उठे। अरे परे हट, तुझे नहीं पता मेरे नवाब साहब से लाला मेरे भाई, मैं अपनी औकात क्यों भूल गया? क्या करती सब इंसानों की एक ही औकात है अब्बा, अगर एक को दूसरे पे फौकियत है तो वो सिर्फ नेकी की बुनियाद पर है। देखो इसको, देखो चार जमाते क्या पड़ गया है, अपनी औकात ही भूल गया है। नहीं अब्बा, मैं अपनी औकात नहीं भूल सकता क्योंकि मुझे अपनी औकात पे फखर है। चुप रहो तुम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा अब्बा जान की क्या हालत हो रही है? इसे क्यों नजर आने लगा? अरे इसे नजर आती है सिर्फ अपनी ख्वाहिश, अपनी इज्जत। अब्बाजान, आप प्लीज गुस्सा मत करें, उठे यहां से, उठे प्लीज। बेटा नहीं, नवाब साहब मुझसे नाराज होकर गए, उन्होंने उन्होंने जाते हुए मुझसे मुंह मोड़ लिया, मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरी तरफ देखा भी नहीं। देखिए अब्बा जान, ये जरूरी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं वैसा ही हो। नवाब साहब ने तो कुछ कहा भी नहीं था, वो तो उजलत में घर से चले गए थे। तुझे नहीं पता, वो मुंह मोड़ के गए बिना, भाई ने ठीक कहा अब्बा, उनको अपनी जात के गुरूर से झटका तो जरूर लगाया लेकिन वो घर जाके इस बारे में जरूर सोचेंगे। से बीबी बहुत समझदार है, अब मुझे पूरा यकीन है कि वो नवाब साहब से जरूर बात करेंगी, बदलते वक्त के तकाजों के बारे में बताएंगी तो वो जरूर मान जाएंगे। तुम लोग समझ नहीं सकते, नवाब वकार अहमद खानदानी नवाब है, तुम लोग जेब बीवी की कहानी नहीं जानते, मैं जानता हूं। उनकी बात अपने ही खानदान में तय हुई थी लेकिन नवाब वकास की सरसी नादानी की वजह से वो बात टूट गई। जेब बीवी आज तक अपने बाप के दर पर रिवायत के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। जमाना बहुत बदल गया अब्बा और नवाब साहब के हालात सबके सामने हैं। वो जब जेबीबी के बारे में सोचते होंगे तो अपने फैसले पे जरूर पछताते होंगे। क्या अब्बा, परेशान ना हो, बस कुछ दिन के लिए खामोशी इख्तियार कर ले, फिर हम सब मिलके सोचते हैं कि नवाब साहब को कैसे मना लो। प्लीज प्लीज उठे यहां से, प्लीज आए। अरे छोटी बीबी आके खाना खा लीजिए। नहीं खाना हमें। अरे बीबी आप परेशान ना हो,
नवाब साहब की तबीयत अब बेहतर है, वो खाना खा के सो गए। बड़ी बीबी, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया, आ जाइए ना। सबकी नींद हराम करके खुद मजे से सो रहे हैं, बर्बाद कर दिया है हमें, हमारे चैन सुकून करार मोहब्बत सब छीन लिया आपसे। कितने जालिम हैं आप, कसूर आपका है अदन, आपने अपनी आंखों में ख्वाब सजाए क्यों? क्या हमारा भी अंजाम आपके जैसा होगा? मगर हम आपके जैसे बहादुर नहीं, हम आपके तरह बर्बाद तरीके से चेहरे पे नकाब लगा कर नहीं फिर सकते, हम पागल हो जाएंगे, हम गली गली चलाएंगे, फिर कहां जाएगी नवाब वकार अहमद की शान और शौकत? चुप हो जाओ। नहीं होंगे चुप, हम नहीं होंगे। गिरती दीवारें, मुश्किल से आई दस्तरखान पे दाल रोटी, तन पर मामूली कपड़े, पुराना फर्नीचर और किरची किरची वजूद के साथ जीती हम दो औरतें। वाह, क्या शान है नवाब साहब की। अदन, खामोश हो जाओ। नहीं, नहीं हो रहा मुझे खामोश। हमारे रिश्ते का यही अंजाम था बिलाल, कुछ ख्वाबों की ताबीर नहीं होती। हो कैसे सकता है? नवाब साहब बिलाल जैसे लड़के का रिश्ता कैसे ठुकरा सकते हैं? कितना परेशान होगा वो बेचारा, कितना मायूस हो गया होगा। तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं सुमैया, हम क्या बात करें बिलाल से। अच्छा, तो क्या नवाब साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया? दादाबा ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत गुस्से से वहां से चल उठे। मुंशी साहब ने उन्हें लाख रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने उनकी एक भी ना सुनी। अच्छा, कुछ बोला तो नहीं ना, बस खामोशी से चले गए? सुमैया, हम बिलाल को हमेशा के लिए खो देंगे ये सोच कर भी हमारा दिल डूबा जा रहा है। देखो, तुम परेशान मत हो, थोड़ा हौसला रखो ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि नवाब साहब जरा ठंडे दिल से सोचे, गौर करें, तो उन्हें कोई एतराज ही ना हो। पता नहीं, ऐसा ही होगा। तुम बिलाल से फोन पे बात करो, कितना परेशान होगा। हम क्या बात करें बिलाल से? कुछ नहीं कर सकती तुम, जो करना होगा ना मुझे ही करना होगा। मैं आदिल के फोन से ना बिलाल को फोन कर लूंगी, मैं खुद ही बात कर लूंगी। बस तुम प्लीज परेशान मत हो ज्यादा, संभाल लो खुद को। तुम गलत नहीं हो, नवाब साहब की सोच गलत है। सब इंसान तो बराबर होते हैं ना, ये जात पात के चक्कर कहां से आ गए बीच में? देखो, और वैसे भी इस्लाम ने लड़की को पसंद का हक दिया है, और अगर कोई लड़की हक इस्तेमाल कर रही है तो गुनाह थोड़ी कर रही है। नवाब साहब जालिम है ये तो मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन इतने जालिम ये मैं सोच भी नहीं सकती। तो दो मोहब्बत करने वालों के बीच की दीवार बन गए हैं। दुर्योधन की हालत इतनी खराब है कि मुझसे देखी नहीं जा रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि बिलाल उससे थोड़ा बेहतर ही होगा। बीबी बिलाल से मोहब्बत करती है?
खुदाया, तो मैं इतनी देर से तुम्हें और क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? आदिल, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुमने कभी बताया ही नहीं इस मौजू पे, कभी हमारी पहले बात जो नहीं हुई। लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें भी क्या यही लगता है कि दुर्योधन चूंकि एक नवाब घर की बेटी है तो उसकी शादी मुंशी के बेटे से नहीं होनी चाहिए? बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी सोच जान के। वैसे दुर्योधन क्या कहती है? तो अपनी किस्मत को ही रो रही है। अरे याद आया, मुझे तो फोन करना था। अपना फोन दो। क्यों, क्या कह रहे? अरे बताती हूँ ना, फोन तो दो। बिलाल, लोगों ने जो अज़ियत दी वो कम है क्या जो तुम खुद पे मज़ीद ज़ुल्म करने चले हो? तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। हाँ प्लीज, उस खाने को यहाँ से ले जाए, मैं नहीं खाऊंगा। यूं मत करो बिलाल। मेरे दिल पर जो इस वक्त बीत रही है वो आप नहीं समझ सकती। इतनी मायूसी अच्छी बात नहीं है। तो क्या करूं, उम्मीद बांधू भी तो किस आस पर? नवाब साहब ने साफ साफ इनकार तो नहीं किया ना? उनके हर अंदाज में इनकार ही तो था। बिलाल उठाओ, देखो किसका फोन है। हेलो। हेलो, मैं सुमैया बोल रही हूँ। आप कैसे हैं बिलाल? कैसा हो सकता हूँ, ये बताओ वो कैसी है? अरे आप भी अपना दिल छोड़े बैठे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अब देखिए, दुर्योधन तो एक कमजोर सी लड़की है बेचारी, लेकिन आप तो मर्द हैं, आपको तो मजबूत होना चाहिए ना। आप भी ऐसे हिम्मत छोड़ देंगे तो कैसे होगा? और अगर इतनी कम हिम्मत थी तो फिर इस आग के दरिया में कूदने की क्या जरूरत थी? अदन के साथ भी बुरा कर दिया ना आपने। मैं इसके साथ बुरा नहीं कर सकता, मैं उसे पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार। ये हुई ना बात, अगर इतना हौसला है तो फिर इतना मुंह लटकाने की क्या जरूरत है? वैसे अदन को कॉल क्यों नहीं किया आपने? बहुत कॉल्स की पर अदन ने रिसीव नहीं की, फिर सोचा कहीं नवाब। अरे अब नवाब साहब फोन में से निकल के गोली थोड़ी मार देंगे आपको। अच्छा पता है, मैं कल 11 बजे ना हवेली चली जाऊंगी, तो आसपास ही रहूंगी मैं फोन के, आप फोन कर लेना। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? सुमैया मैं कल कॉल करूंगा 11 बजे। चल। ये तुम क्या करने जा रही है? मन सीप का तू मोती।